हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टेटिस्टिक्स में लास्ट हमने हमारा जो सेक्शन डी था उसका हमने रिवीजन कंप्लीट किया था। आज हम सेक्शन ई जो है कि जो आपके 4 मार्क्स के सम्स होते हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम हमारा जो सम नंबर 1 है वो हम करते हैं। नंबर ऑफ मैंगोज रिसीव फ्रॉम द डिफरेंट ट्रीज ऑफ मैंगोज इन अ फार्म ड्यूरिंग अ सीजन ऑफ 30 डेज इज एज अंडर। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग अ क्लास लेंथ 5। अब यहाँ पे ये जो आपको डेटा दिया गया है उसके ऊपर से हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसकी ईच फ्रीक्वेंसी की क्लास लेंथ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे हमारी 5। अब यहाँ पे आपको ये जो टेबल आप देख रहे हो कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई उसमें आपको सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। तो हमारे यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू हमें दी गई है 92। आपको दिखाई दे रहा होगा कि लास्ट कॉलम में 4th, एंड सबसे बड़ी वैल्यू दी गई है 128। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो क्लास बनानी है तो वो हम स्टार्ट करेंगे 92-94 की। इस तरह से हम क्लास बनाएंगे कि जो छोटी वैल्यू और वो बड़ी वैल्यू दोनों साथ में हमारी आ सके। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लास बनेगी 92-94, क्योंकि यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे हमने उसका जो डिफरेंस है वो हमने लिया है। इंक्लूसिव क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हमने हेडिंग दिया इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज। नंबर ऑफ मैंगोज यहाँ पे हमने लिखे टेली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमारी लोअर वैल्यू 92 है एंड अपर वैल्यू है 128। तो यहाँ पे लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू दोनों इंक्लूडेड हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से मेंटेन किया है। तो फर्स्ट क्लास हमने बनाई 92-94, 95-99, 100-104, 105-109, 110-114, 115-119, 120-124 एंड लास्ट में 125-129। इस तरह से यहाँ पे हमने क्लास बनाई है। अब हम हमारे जो टेली मार्क्स है वो हम अगर टेली मार्क करने जाएंगे तो फर्स्ट 94, तो 94 हमारा कहाँ पे आएगा, 92-94 के बीच में। सेकेंड है 98, तो 98 हमारा कहाँ पे आएगा, 95-99 के बीच में, ये हमने मार्क किया। फिर है 128, तो वो हमारा कहाँ पे आएगा, 125-129 के बीच में। उसके बाद है 96, तो वो कहाँ पे आएगा, 95-99 के बीच में। 120-124 के बीच में आएगा। 112, तो वो कहाँ पे आएगा, 110-114 के बीच में। फिर है 100, तो वो कहाँ पे आएगा, हमारा 100-104 के बीच में। उसके बाद है 102, तो वो भी कहाँ पे आएगा, 100-104 के बीच में। 103, वो भी हमारा कहाँ पे आएगा, 100-104 के बीच में। फिर है 104, तो वो भी सेम इट इज़ यहाँ पे ही आएगा, वो हमने किया। उसके बाद है 125, तो वो हमारा कहाँ पे आया, 125-129 के बीच में। फिर है 92, तो वो हमारा कहाँ पे आएगा, 90-94 के बीच में। उसके बाद है 122, तो वो हमारा यहाँ पे आएगा 120-124 के बीच में। फिर 95, तो वो हमारा आएगा 95-99 के बीच में। 114, तो वो हमारा कहाँ पे आएगा, 110-114 के बीच में। फिर 107, वो कहाँ पे आएगा, 105-109 के बीच में। 125, तो वो भी हमारा इसी तरह से। फिर 101, तो 101 हमारा कहाँ पे आएगा, 100-101 के बीच में। 108, वो हमारा आएगा 105-109 के बीच में। 115, वो हमारा आएगा 115-119 के बीच में। 113, तो वो हमारा यहाँ पे आएगा 110-113 के बीच में। फिर 106, तो वहाँ पे आएगा हमारा 105-109 के बीच में। फिर है 104, वो भी 100-104 के बीच में। 118, तो वो हमारा आएगा 115-119 के बीच में। 119, वो भी 115-119 के बीच में। 114, तो कहाँ पे आएगा हमारा, 110-114। फिर 124, तो वो कहाँ पे आएगा, 120-124 के बीच में। 120, वो भी यहाँ पे ही आएगा। फिर 109, वो हमारा कहाँ पे आएगा, 105-109 के बीच में। एंड 118, वो हमारा कहाँ पे आएगा, 115-119 के बीच में। तो इस तरह से यहाँ पे हमने किया। तो हमारे टेली मार्क के ऊपर से हमारी फ्रीक्वेंसी किस तरह से आई, 2, 3, 6, 4, 4, 4,
फोर एंड थ्री, एंड लास्ट में टोटल हमारा कितना है, एन इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ही किया, सेक्शन ई के ही जो सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3 है वो सेम इट इज़ है, इसलिए वो हम आपको आपकी होम असाइनमेंट में आपको करने होंगे, और सम नंबर 4 जो है वो भी आपको आपके होम असाइनमेंट में करने होंगे। ये जो होमवर्क है वो आपको आपकी लास्ट में हम स्क्रीन पे बता देंगे कि आपको कौन सा होमवर्क करना है। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आपको होम असाइनमेंट में करने हैं। ये भी आपको करने ही है होम असाइनमेंट में, बट वो जो आपके सिमिलर सम्स थे इसलिए हम यहाँ पे उसका रिवीजन हमने एक जैसे सम्स से वो आपको आपके होमवर्क में करने हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे फिफ्थ सम जो है वो दिया हुआ है, ऑब्टेन लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉइंट। यहाँ पे क्लास दी गई है और उसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमें यहाँ पे लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी, तो वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। देख रहे हो कि इस तरह से हमने टेबल बना है लेस देन बाउंड्री पॉइंट का, और यहाँ पे आपको क्लास जो है वो कंटिन्यू नहीं दी गई, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, लोअर बाउंड्री पॉइंट में 0.5 माइनस किया एंड अपर बाउंड्री पॉइंट में 0.5 हमने यहाँ पे प्लस किया है। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया तो इस तरह से आई हमारी क्लास 24.5, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5, 54.5 एंड 59.5, इस तरह से आई पे। अब हम लेस देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाले, तो सबसे पहले 24.5 के सामने हमने क्या लिख दिया, 0। फिर 29.5 के सामने हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, दैट मीन 0 + 3 = 3। फिर 30 to 34 के बीच में आपको दिए गए 8, तो डेट मीन्स यहाँ पे 34.5 की क्लास में हम यहाँ पे लिखेंगे 0 + 3 + जो उसकी फ्रीक्वेंसी है 8, तो यहाँ पे कितना आएगा 11। फिर 35 to 39 के बीच में क्लास में हमें कितने दिए गए, 10, तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, 0 + 3 + 8 + 10 = 21। फिर 44.5 है, तो 40 to 44 के बीच में हमें दी गई है क्लास 5, तो फ्रीक्वेंसी 5, दैट मीन्स 0 + 3 + 8 + 10 + 5। इस तरह से यहाँ पे हमने किया तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 26। फिर 45 to 49 के बीच में हमें दिया गया 15, दैट मीन्स 0 + 3 + 8 + 10 + 5 + 15, दैट मीन्स कितने है, 41। उसके बाद 50 to 54 के बीच में हमें यहाँ पे क्लास दी गई है 8, तो 0 + 3 + 8 + 10 + 5 + 15 + 8 = 49। फिर हमें यहाँ पे हमने 55 to 59 के बीच में फ्रीक्वेंसी दी गई है 1, दैट मीन्स 0 + 3 + 8 + 10 + 15 + 8 + 1 = 50। इस तरह से यहाँ पे हमने लेस देन फ्रीक्वेंसी फाइंड की, अब हम मोर देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो मोर देन फ्रीक्वेंसी का भी टेबल हमने इस तरह से बनाया, बट फर्क क्या होगा कि लेस देन में हम ऊपर से स्टार्ट करते थे, मोर देन में हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 0, फिर 0 + 1 जो हमें नीचे फ्रीक्वेंसी दी गई, दैट मीन्स 1। फिर 50 to 54 के बीच में 8 दिया हुआ, दैट मीन्स कि 0 + 1 + 8 = 9। फिर 15 है, दैट मीन्स कि 0 + 1 + 8 + 15 = 24। फिर 0 + 9 + 8 + 15 + 5 = 29। फिर 0 + 1 + 8 + 15 + 5 + 10 = 39। फिर हमें यहाँ पे दिया गया 0 + 1 + 8 + 15 + 5 + 10 + 8 = 47। एंड लास्ट में यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी गई 3, दैट मीन्स 0 + 1 + 8 + 15 + 5 + 10 + 8 + 10 = 50। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमने यहाँ पे फाइंड की है। आपको इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि लेस देन में हम क्या करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि ऊपर हम जीरो वैल्यू डालते हैं और मोर देन में हम नीचे जीरो वैल्यूज डालते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने किया, और यहाँ पे आपको इसका जो प्रैक्टिकल में यहाँ पे जो सम नंबर 6 है वो आपको होम असाइनमेंट में करना है। ये तो सम आपको करना ही है, बट उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो आपको वीडियो में जो सम्स बोल रहे हैं वो भी आपको आपकी होम असाइनमेंट में एज अ रिवीजन जो आपको करने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे सम नंबर 8, क्योंकि ये टेबुलर फॉर्मेट का है। सम नंबर 7 जो है वो आप आपके होम असाइनमेंट में कर लीजिएगा। सम नंबर 8 में दिया हुआ, इन द ईयर ऑफ 2013 देयर वर 1200 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल, एंड ऑफ देम 400 वर गर्ल्स,
50 गर्ल्स वेर नॉट रेसिडिंग इन हॉस्टल इन ऑल 600 बॉयज वेर रेसिडिंग इन हॉस्टल इन द ईयर ऑफ 2014 देर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स एंड इंक्रीज बाय 30% इन गर्ल्स ड्यूरिंग द ईयर दिस ईयर 260 बॉयज एंड 100 गर्ल्स वेर नॉट रेसिडिंग इन हॉस्टल In the year of 2015, 140 boys and 100 girls were newly admitted in the school and all of them resided with the hostel students presented in the tabular form. तो यहाँ पे ये जो डिटेल दी गई है उसके ऊपर से हमें सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हमें टेबल के फॉर्मेट में इसे हमें प्रेजेंट करना है. तो अब हम वो करते हैं, इस तरह से हमने टेबल बनाया और टेबल की हेडिंग दी है हमने टेबल शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ पे ईयर्स लिखे 2013, 2014 एंड 2015 बॉयज सॉरी रेसिडिंग इन हॉस्टल एंड नॉन रेसिडिंग इन हॉस्टल एंड टोटल. इसमें भी हमने सेक्शंस किए हैं बॉयज गर्ल्स एंड टोटल, बॉयज गर्ल्स एंड टोटल. अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया, 2013 में टोटल स्टूडेंट इज 1200, दैट मीन्स कि 2013 की कॉलम में 1200 जो है वो हमने लिखे टोटल स्टूडेंट्स. उसमें से यहाँ पे 400 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे 400 गर्ल्स हुई, तो बाकी के 800 हमारे लिए क्या हुए, बॉयज हुए. अब इन ऑल 600 बॉयज आर रेसिडिंग इन द हॉस्टल, तो यहाँ पे ये जो 800 बॉयज है उसमें से 600 बॉयज क्या है, हॉस्टल में रहते हैं, तो बाकी के 200 बॉयज क्या हुए, आउटसाइड द हॉस्टल. फिर 400 बॉयज में से 50 गर्ल्स जो हैं वो आउटसाइड द हॉस्टल रहती हैं, तो बाकी की 350 गर्ल्स क्या हुई, हमारे लिए हॉस्टल में रहने लगी. तो यहाँ पे इस तरह से हमने किया तो हमारी फर्स्ट कॉलम जो है वो सॉल्व होगी. फिर सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, इन द ईयर ऑफ 2014 देयर इज अ इंक्रीज इन 20% बॉयज एंड 30% गर्ल्स. अब यहाँ पे 2013 में हमारे बॉयज कितने थे, 800, उसमें 20% इंक्रीमेंट हुआ मतलब कि बड़े हैं, तो 800 into 20 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे 160 स्टूडेंट्स हमारे बॉयज क्या हुए, बड़े. तो यहाँ पे कितने हुए बॉयज हमारे 2014 में, 960, तो यहाँ पे बॉयज की कॉलम में हमने लिखा 960. फिर गर्ल्स हमारी कितनी बड़ी हैं, 30% बड़ी, तो गर्ल्स हमारी थी 400, उसके 10% 30% हमारी बड़ी, दैट मीन्स कि गर्ल्स हमारी कितनी बड़ी, 120, तो यहाँ पे टोटल के कॉलम हमने लिखे 520 और लास्ट में दोनों का टोटल कितना आया 1480. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग दिस ईयर 260 बॉयज एंड 100 गर्ल्स आर नॉट रेसिडिंग इन हॉस्टल, तो यहाँ पे नॉन रेसिडिंग हॉस्टल में हमने लिखा 260 बॉयज एंड गर्ल्स 100, तो अब 960 बॉयज में से 260 बॉयज आउटसाइड रहते हैं, तो 700 बॉयज हमारे क्या हुए, हॉस्टल में रहने लगे. फिर 520 जो हमारी टोटल गर्ल्स है उसमें से 100 जो है नॉन रेसिडिंग हॉस्टल है, तो बाकी की 420 क्या हुई, हमारी हॉस्टल में रहने लगी. इस तरह से यहाँ पे हमने किया. फिर अब दोनों का हमने टोटल किया तो रेसिडिंग का टोटल आया 1120 एंड नॉन रेसिडिंग का टोटल आया 360, और लास्ट में जो हमारा दोनों टोटल है वो हमने इस तरह से टोटल किया. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन 2015 140 बॉयज एंड 100 गर्ल्स वर न्यूली एडमिटेड. अब 2015 में, अब 2014 में हमें दिए गए 960 बॉयज, अब उसमें 140 एडिशनली एड हो रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे बॉयज कितने हो गए 1100 और गर्ल्स हमारी थी यहाँ पे 520, तो यहाँ पे हमारी लास्ट गर्ल्स दी गई थी 520 और उसमें प्लस 100 गर्ल्स जो हैं वो एडिशनली ऐड हो रही हैं, दैट मीन्स कि हमारी गर्ल्स कितनी हुई यहाँ पे 620, और वो दोनों जो है वो कहाँ पे रह रहे हैं, रेसिडिंग इन हॉस्टल, मतलब कि 700 बॉयज पहले से ही थे प्लस में 140 दूसरे, दैट मीन्स 840 बॉयज एंड 520 गर्ल्स हुई. अब यहाँ पे हमने टोटल किया तो 1360 रेसिडिंग का आया, नॉन रेसिडिंग का 360 और बाकी बॉयज का हमने टोटल किया. तो इस तरह से हमने हमारा ये वाला सम भी किया है. सम नंबर 9 जो है वो आपको आपके होम असाइनमेंट में करना है. उसके बाद का हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सम नंबर 10 करेंगे. तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई हैं, उस डिटेल के ऊपर से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस पीछे देंगे उसके हमें यहाँ पे आंसर्स देने हैं. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द 5 ईयर. Find the percentage decline in the non-local workers in the year of 2015 and find the percentage increase in the number of women and men during the 5 years. तो यहाँ पे ये जो टेबल दिया गया उसके ऊपर से यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस दिए गए उसके आंसर्स हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं.
लास्ट ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में हमारी कितने इंक्रीमेंट हुआ है वो हम देखेंगे। तो लास्ट ईयर हमारे वर्कर्स थे 2000 एंड करंट ईयर हमारे वर्कर्स हो गए 3000, मतलब कि कितने बढ़े हमारे 1000 वर्कर्स जो हैं वो बढ़ गए। तो अब इसे परसेंटेज में फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे इंक्रीमेंट डिवाइड बाय 2000 टेंस वर्कर इज इक्वल टू 2000 × 100। तो कितने वर्कर्स हमारे बढ़े 50%। फिर सेकेंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन लोकल वर्कर्स डिक्लाइन, कितने हुए। अब 2010 में हमारे नॉन लोकल वर्कर्स थे 500 और 2015 में कम होके हो गए कितने 400, कितने कम हुए 100। अब उसे हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे 100 जो है डिक्लाइन के वो डिवाइड बाय 2010 को हमने बेस लिया, दैट मीन्स कि 500 × 100 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे यहाँ पे 20%। इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया। अब परसेंटेज इंक्रीज की 2012 के 10 एंड 15 के कंपेयर में बॉय मेल एंड फीमेल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो हमारे मेल जो है वो 2015 में हुए 2300 और 10 में थे 1500, तो कितने बढ़ गए 8000। और हमने यहाँ पे 2010 को हमने बेस लिया, दैट मीन्स कि 800 डिवाइड बाय 1500 × 100, तो कितना आया 53.3%। फिर यहाँ पे फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स हमारी 2010 में थी 500, 2015 में हुई 700, तो कितनी हमारी बढ़ गई 200 फीमेल्स बढ़ गई हैं। तो 200 हमने यहाँ पे लिखा और डिवाइड बाय 2010 को हमने बेस लिया है × 100, दैट मीन्स कि कितनी बढ़ी यहाँ पे हमारी 40% फीमेल्स जो है वो बढ़ गई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सम था वो भी हमारा हमने किया। इस तरह से यहाँ पे हमने हमारा जो सेक्शन ई था उसका हमने यहाँ पे सम्स किए हैं। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे जितने भी सम्स दिखाई दे रहे हैं वो सिमिलर टाइप्स के सम थे जो आपको आपकी बुक में होम असाइनमेंट में करने हैं, और इंक्लूडिंग यहाँ पे ये जो ग्राफ भी आपको लास्ट में दिखाई देंगे वो भी ग्राफ आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। ये सारे सम्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, आपको ईजीली समझ में आ जाएंगे, इसलिए आप ये सारे सम ईजीली आप कर पाओगे। और यहाँ पे ये जो सेक्शन डी है, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे रिवीजन कर लिया, तो आपको ये सारी चीज़ों की, ये सारे सम्स की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी, इवन ग्राफ की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो सेक्शन एफ है उसका हम रिवीजन करेंगे। थैंक यू।